45 है ना भैया टिकट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभी देहरादून में और देहरादून के अंदर मैं आया हूं अभी रॉबर्ट्स केव में, जो कि है देहरादून के अंदर ही मसूरी वाले रोड पे जाके। यहां पे अभी मैंने एंट्री ली है, 35 रुपीज़ का टिकट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा रॉबर्ट्स केव और उसके आस पास का इलाका। रॉबर्ट्स केव में कितने का टिकट है, कैसे कैसे आप जा सकते हैं। गुच्छू पानी भी इसको बोलते हैं, ये रहा कुछ गुच्छू पानी। तो अभी अंदर चलता हूँ, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या मिलेगा। तो ये कुछ एंट्री का रूट है रॉबर्ट्स केव का, और यहाँ पे आपको शूज़ पहन के जाना अलाउड नहीं। अलाउड क्या, शूज़ पहन के पानी के अंदर जाओगे तो भीग जाएंगे। तो बाहर आपको रेंट पे 10 रुपये में चप्पल मिल जाएगी, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, तो और लॉकर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। मैंने अपना बैग और जैकेट वगैरह सब लॉकर में जमा करवा दिए हैं। अभी समय हुआ है सुबह के 7:48, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, दिन में बहुत भीड़ हो जाती है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर पहुँचता हूँ और अंदर जाके दिखाता हूँ कैसे कैसे सिचुएशन है यहाँ की। ये है एंट्री इसकी, कुछ तो अभी अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ एंट्री है यहाँ की। तो ऐसा कुछ है ये केव, नीचे आपको एक तक में पानी है यहाँ, तो मुझे पैंट ऊपर चढ़ानी पड़ गई ही। तो ऐसा कुछ है रॉबर्ट्स केव की एंट्री, और यहाँ पानी भरा हुआ है, मैंने चप्पल पहन लिया। नीचे पानी में मछलियाँ घूम रही है, मछली भी दिखी थी मुझे मछली। यहाँ पानी में मछलियाँ भी घूम रही है। अभी मैं अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। अंदर देख, बहुत गहरी केव है ये। अभी धीरे धीरे अंदर चलते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या होता है। नहीं अंदर जाएंगे तो इसमें अंधेरा हो गया बिल्कुल, पानी पानी की आवाज़ आ रही है। ऐसी है कुछ केव। यहाँ का रास्ता बिल्कुल इतना पतला पतला रास्ता है, इसमें पानी आ रहा है और दोनों साइड में रोक है, बीच में ऊपर लाइट आ रही है ऐसे कुछ। तो भी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलेगा, आगे चल के दिखाते हैं आपको। अभी सुबह का टाइम है तो भीड़ कम है, नहीं तो दिन में बहुत भीड़ हो जाती है। बनी हुई है बहुत सारी रॉक, और उनके बीच में पानी है, पानी में मछलियाँ भी है। बिना फिर से अंदर अगर आओगे तो ऐसे हो जाएगा। सफर यहाँ पे बीच में पतली पतली रॉक्स भी गिरी हुई है, जैसे ऊपर से रॉक्स गिरी बीच में फंस गई, नहीं तो नीचे गिर जाती। ऐसे बिल्कुल नैरो नैरो पैथ में आपको निकलना पड़ता है। साइड में जो है पत्थर है, इनमें भी पानी रिस रहा है, ऐसे धीरे धीरे पानी रिस रहा है। अब बीच बीच में कहीं कहीं लाइट आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे लाइट आ गई है दिखाता हूँ आपको, यहाँ आके ख़त्म हो गया बंदे नहीं। बिल्कुल नीचे की जगह बची है, पानी की आवाज़ आ रही है, जगह निकल गई बाकी जगह। अरे दादा और भी है अंदर, रिश्ता भी खत्म हो गया। तो यहाँ जो होती है तो यहाँ भी चढ़ के आना पड़ेगा। अब बीच में एक बहुत सारा छोटा वाटर होल था, अब अंदर जाके देखता हूँ अंदर क्या मिलेगा। अंदर तो बहुत अंधेरा है, अंधेरा है और ख़तरनाक रोक आ गई।
फर्स्ट ईयर खत्म हो गई, अब बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं बाहर क्या, बाहर क्या बोलते हैं, अंदर चल के आए थे, अभी यहाँ से कुछ ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाने ऊपर जाने का सही रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, इसको ऊपर जाके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ऊपर जाने का रास्ता देखना पड़ेगा कहाँ से है, कैसे चलते हैं उसको बना। ऊपर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक कैफे बना हुआ है, किसी को कॉफ़ी पीनी हो तो ऊपर आके कॉफ़ी पी सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल क्लिफ से खड़ा हो गया हूँ, बिल्कुल नीचे क्लिफ है, इधर भी क्लिफ है, वहाँ से चढ़ के इधर से ऊपर से मैं यहाँ आ गया हूँ। नीचे उतरने का मुझे पता नहीं कैसे उतरूँगा, लेकिन मैं फ़ोटो लेने के लिए आया था, ऐसा कुछ है रोबोट के यहाँ से दिखता है। उधर से आप चलते चलते आओगे नीचे से घुस के थोड़ा आगे जाके ख़त्म हो जाता है, फिर वापस आओ। तो अभी यहाँ से नीचे उतरता हूँ, फिर देखते हैं वो बाहर की तरफ जाके, बाहर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो कैफे रेस्टोरेंट है क्या क्या आपको मिलता है। फिलहाल एक बार यहाँ से उतरना बड़ा टास्क है, तो अब यहाँ से उतरने की कोशिश करता हूँ मैं, वहाँ पैर रख के, वहाँ पैर रख के, कहीं कहाँ पैर रख के उतर जाएगा देखते हैं। GoPro डालना पड़ेगा, अब यहाँ से नीचे उतरना है, नीचे क्यों उतरना है फिर, हाँ यहाँ से नीचे उतरना है, फिर आगे जाके वहाँ से नीचे उतरना है। अब एक ये पत्थर है यहाँ से भी दिख रहा है, वापस चलते हैं। यहाँ कैफे है, कोई सीढ़ी चढ़ के खतरनाक वाला, आ जाओ तो ऊपर से तो उतर गया मैं, वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी तो वापस जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये बाहर जाने का रास्ता है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर जाके आपसे मिलते हैं। तो अभी ये है बाहर की एंट्री, में बाहर आ चुका हूँ, ऐसा कुछ यहाँ का नज़र है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, अंदर जाके बंद हो जाता है, तभी बाहर चलते पूरा बाहर। तो बाहर चल के बताता हूँ आपको, बाहर चल के कुछ खाएंगे फिर आपको दिखाते हैं खाने के लिए क्या क्या मिलता है बाहर। यहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत सारे सामान है। यहाँ पे खड़ी है मेरी बाइक और सामने मैंने लोगों में अपना सामान जमा किया हुआ है। अभी यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं ये वाले, अभी यहाँ पे कुछ खाता हूँ और फिर उसके बाद वापस चलूँगा मैं दिल्ली की तरफ। देहरादून से दिल्ली का वीडियो देखने को मिलेगा आपको, ऐसा कुछ है रोवर्स केव जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अभी यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं आगे, देखते हैं पहले खाने के लिए देखते हैं क्या मिलेगा। तो अंदर से घूम के मैं बाहर आ चुका हूँ, यहाँ बैठते हैं अभी अपनी बाइक के पास, ये है पीछे मेरी बाइक,
और अभी मैं आ चुका अंदर से बाहर, और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं आ गया था सुबह बहुत जल्दी, अभी बजे 9:30। अभी कुछ यहाँ पे भीड़ आनी शुरू हो गई है, तो मैं जल्दी आके घूम के बाहर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अभी से अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा देहरादून से दिल्ली तक का मोटर ब्लॉग। बाय बाय, ध्यान रखें।